Hi guys, this is Jia Shankar and you're watching me on PNTV. Well, that depends. मैं अब चाहे कुछ भी बोल लूँ, क्या पता शायद मैं अपने बारे में बहुत तारीफें कर दूँ लेकिन अंदर जाके मैं कुछ ना कर पाऊँ. रिश्ते अगर बन रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर बिगड़ भी रहे हैं तो इट्स फॉर द बेटर. इवेंचुअली एक्टर्स तो फेस करते ही है कॉन्ट्रोवर्सीज या कुछ ना कुछ तो वैसे भी होता ही है. बट आई एम रेडी फॉर द चैलेंजेस. आई हैव टेकन इट एज अ चैलेंज एंड एज एन एडवेंचर टू. हेलो गाइस, दिस इज मनीषा तिवारी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन PNTV. और आज हमारे साथ है जिया शंकर जो कि देने जा रही है बिग बॉस 42 के बाकी कंटेस्टेंट को टक्कर. वाह, क्या राइम किया है, थैंक्स. हाय, सबसे पहले आपका स्वागत है. क्या कुछ कहना चाहेंगे, लाइक कितनी ज्यादा एक्साइटेड हो और कितनी ज्यादा नर्वस भी हो? मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और थोड़ी सी नर्वस भी हूँ क्योंकि ये बहुत ही एक नया प्लेटफॉर्म है मेरे लिए. आई एम नॉट श्योर क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है. आई होप मेरा ये सफ़र अच्छा रहे. बट आई एम रेडी फॉर द चैलेंजेस. आई हैव टेकन इट एज अ चैलेंज एंड एज एन एडवेंचर टू. सो जब मेकर्स ने आपको अप्रोच किया इस शो के लिए तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, लाइक क्या कुछ थॉट्स आए दिमाग में कि अरे यार मैं करना चाहूँ, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी वगैरह होते रहते हैं. हाँ, मुझे उससे डर नहीं है क्योंकि जो कुछ भी है यू नो इवेंचुअली एक्टर्स तो फेस करते ही है कॉन्ट्रोवर्सीज या कुछ ना कुछ तो वैसे भी होता ही है. यू जस्ट नीड टू ओन अप टू ऑल द मेस दैट यू मेक एवर इफ एट ऑल दैट हैपन्स. एंड आई डोंट फियर ऑल दीज थिंग्स. अगर इफ आई हैव टू एक्सेप्ट और अपोलोजाइज और यू नो वट एवर ओन अप टू माई मेस और माई मिस्टेक्स, आई डू दैट. तो मुझे किसी चीज़ से कोई डर नहीं है. सो बिग बॉस के घर में काफ़ी ज़्यादा रिश्ते बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं, तो इसे लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं और आपका क्या ओपिनियन? रिश्ते अगर बन रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर बिगड़ भी रहे हैं तो इट्स फॉर द बेटर. और शायद उनको मेरी जर्नी का हिस्सा नहीं बनना है तो ठीक है. मतलब मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑनेस्टली. अगर बने तो बने, नहीं बने तो नहीं बने. तो बाकी कंटेस्टेंट के लिए कितने टफ बनने वाले हो आप, क्योंकि यहाँ पे देखा जाता है कि जो भी टास्क होता है उसको लेकर? वेल दैट डिपेंड्स. मैं अब चाहे कुछ भी बोल लूँ, क्या पता शायद मैं अपने बारे में बहुत तारीफ़ें कर दूँ लेकिन अंदर जाके मैं कुछ ना कर पाऊँ. सो इट्स बेटर दैट आई डोंट से एनीथिंग और अंदर जाके मेरा परफॉर्मेंस ही डिसाइड करे. लेट माई परफॉर्मेंस स्पीक फॉर इटसेल्फ. ओके, प्रिपरेशन की बात की जाए तो क्या कुछ तैयारियाँ चल रही है आपको या फिर क्या कुछ हो चुकी है? ऑलमोस्ट हो चुकी है व्हेन इट कम्स टू मैं क्या पहनने वाली हूँ और बस वही उतनी ही तैयारी हो चुकी है और कुछ नहीं. सो बिग बॉस के घर में तो यहाँ पे मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं रहता है, तो क्या कुछ कहना चाहिए, कितना मिस करने वाले हो आप मोबाइल फ़ोन को? क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि बहुत क्या मिस करने वाले, तो मैं मोबाइल फ़ोन के बारे में पूछना चाहूँगी. फ़ोन को तो मैं मिस करूँगी ऑब्वियसली क्योंकि वो कॉन्स्टेंट हमेशा तुम्हारे साथ रहता है. ईजी टू कनेक्ट विथ योर फैंस थ्रू सोशल मीडिया इवन विथ फ्रेंड्स. तो आई एम गोइंग टू मिस सेंडिंग मीम्स टू माई फ्रेंड्स और बहुत इतना जो टाइम बर्बाद करती हूँ मैं सोशल मीडिया पे, वो मिस करूँगी मैं. ओके, सो फ्रेंड्स का हो गया या फिर फैमिली का हो गया, तो क्या कुछ उनका रिएक्शन आया कि जब आपको ये ऑफ़र किया गया बिग बॉस 42 के लिए? I think everybody was happy, especially my family. My mom was very happy. She was excited and she was like, kar le, kar le, kar le. So, but my friends were not that keen, were not too sure whether I should be a part of it. But then abhi wo, they were cool. I mean, they knew that I've made up my mind. So then they're happy for me. Wo apni bet laga rahe hai ki ye kab jhagda karne wali hai, kab phatne wali hai, kis din phategi, aaj phategi, nahi phategi. Sab ki betting hone wali hai. Okay, so kuch advice vagera mila aapko? नहीं, मुझे किसी से ऐसी कोई एडवाइस नहीं मिली है. और ये शो भी वैसा है कि तुम क्या ही एडवाइस दोगे किसी को, अदर देन जस्ट बी यू, बी रियल, एंड दैट आई ऑलरेडी एम गोइंग टू बी. ओके, सो बिग बॉस के घर में काफ़ी ज़्यादा झगड़े होते हैं हर चीज़ को लेकर, तो आप कितना मेंटली प्रिपेयर हो इसके लिए? मैं तो प्रिपेयर हूँ. अगर कोई फालतू के झगड़े करना चाहता है मुझसे तो करे, मैं उसे अपने तरीके से हैंडल करूँगी.
it depends on whether I want to entertain that person or not. Yeah, mujhe usse utni footage deni hai, nahi deni hai. So I will decide whether to react on it or not. So, घर में जब भी आपकी एंट्री होने वाली है स्टेज पे अगर बात की जाए तो सलमान खान जब भी आपका नाम लेंगे कि जिया शंकर तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके लिए क्या मतलब कितनी एक्साइटमेंट है आपको? आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट कि जब सलमान सर के मुंह से मैं अपना नाम सुनूंगी. वैसे तो मेरा नाम काफ़ी बार उन्होंने लिया होगा क्योंकि गाने में इतना नाम आता है मेरा. सो लास्टली फैन से क्या कुछ कहना चाहेंगे, उनको क्या मैसेज? फैंस को मैं यही कहना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए. बट दिस टाइम आई वुड नीड दैट मोर देन आई हैव एवर नीडेड. तो प्लीज़ मुझे ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिएगा क्योंकि मैं ये कुछ नई चीज़ करने जा रही हूँ अपने करियर में. आई नो दैट इट वोंट बैक फायर बिकॉज आई नो माई सेल्फ द वे आई एम एंड यू गाइज नो मी. And I hope everything goes well. But meanwhile that I am in the house, you guys are watching me 24/7. Please vote for me if genuinely you like me. Yeah, that's what I would say.